गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, अनस, वंशिका एंड अंश, ठीक है। चलिए लास्ट क्लास का एक बार रिवाइज करते हैं और आज इस चैप्टर की हो सकता है लास्ट क्लास हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जनरल क्लॉज एक्ट का इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? जनरल क्लॉज एक्ट क्या है, क्या बताते हैं जनरल क्लॉज एक्ट? हाँ, जो कहीं नहीं लिखा वो क्या लिखा है जनरल क्लॉज एक्ट में। जैसे कि कोई डेफिनेशन समझ नहीं आ रही या फिर इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आ रही तो हमें कहाँ जाना होगा? जनरल क्लॉज एक्ट में। ये क्यों लिखा होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि हम चीजों को शॉर्ट करना चाहते हैं, यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा दिखे हर जगह, कहीं पे भी क्या ना हो, अलग अलग डेफिनेशन ना लिखी हो। उसके बाद अननेसेसरी रिपीटेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। और ये हमें क्या करता है, जनरल डेफिनेशंस देता है और ड्राफ्टमैन का टाइम भी सेव कर देता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ रिपील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर हमने क्या सीखा था कि अगर कोई एक्ट क्या हो जाए, रिपील हो जाए। रिपील का मतलब कोई भी एक्ट हमारा हट जाए, यानी खत्म हो जाए। तो उसपे खत्म हो जाने के बाद, उस एक्ट के खत्म हो जाने के बाद इन चीजों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या क्या थी कि कोई पुराना एक्ट रिवाइव नहीं होगा, सेकंड हमारा मैनेजमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, थर्ड किसी प्रकार के क्लेम डेट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई भी पनिशमेंट है, पेनल्टी है या फॉरफीचर है वो एज इट इज रहेगी, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी एज इट इज रहेगी। फिर था हमारा की डेफिनेशन, जिसमें हमने अबेट देखा था। अबेट उन्होंने बोला था कि ऐसा जो इंडियन पेनल कोड में बोला गया है, और अबेटर को वैसी ही सजा मिलेगी जैसे एक क्रिमिनल को मिलती है। एक्ट का मतलब क्या था, कोई भी ऐसा काम किया है जो कि इलीगल दिखा रहा हो तो वो क्या है, हमारा एक्ट है। एफिडेविट क्या है, एक ऐसी डिक्लेरेशन जहां पे हम क्या लिख कर दे रहे हैं कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद था हमारा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी, कोई भी मैटर कहीं पर भी लिखा हो, किसमें लिखा हो, लेटर में, फिगर में या मार्क में, ठीक है। और वो किस लिए यूज किया जा रहा हो, रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट। एनेक्टमेंट क्या था, किसी भी प्रकार के रूल्स, रेगुलेशन या एक्ट, वो क्या है हमारे, एनेक्टमेंट। फिर हमने देखा था फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर हमारा क्या होता है, जो भी फर्स्ट मतलब अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होता है वो हमारा फिनेंशियल ईयर है। और नॉर्मल ईयर क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल भी और स्टेट भी। इम्प्रिजनमेंट क्या है, जो इंडियन पिनल कोड में है, चाहे वो सिंपल हो या रिग्योरस। उसके बाद पर्सन, पर्सन इंक्लूड कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना, ठीक है। इसमें पर्सन इंक्लूड का मतलब यहाँ पे ये भी है, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल भी लिखे यहाँ। वैसे मैंने समझा दिया था कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल यहाँ लिखा नहीं है, लिख दीजिए। इंडिविजुअल को अलग से लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेट से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए। बेटा आप सब लोगों का ओल्ड सिलेबस है। लिख लिया, हटा दो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाली इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेफिनेशन लिखनी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कहीं शैल इंक्लूड लिखा है तो उसका मतलब क्या है, अगर डेफिनेशन में हमारा, हाँ, इसके अलावा भी चीजें हैं, यानी कि अगर लॉ मेकर को यानी जजेस को जब इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आएगी तो वो इस डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, इंक्लूसिव ले सकते हैं, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड। चलिए, शैल इंक्लूड,
F-A-S-T-E-N-E-D, fast. निर्देशित ऑब्जेक्ट. सॉरी, निर्देशित ऑब्जेक्ट है. हाँ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन में हम लिख कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, वही है. कीवर्ड्स को मैंने रेड कलर से लिख दिया है, आप अंडरलाइन कर. ये सारी इमूवेबल की डेफिनेशन है, ठीक है. ये ना मैंने पार्ट में डिवाइड कर दी, किसी भी प्रकार का लैंड, उससे मिलने वाला बेनिफिट, अटैचमेंट या परमानेंटली फास्ट, ठीक है. लिख लीजिए फिर समझा दो. लिख लिया, समझाओ. देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछू क्या होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप बताएंगे? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम मूव नहीं कर सकते, नाम से तो यही लग रहा है ना. तो इन्होंने क्या डिफाइन किया जनरल क्लॉज एक्ट में, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक प्रकार का लैंड है, या फिर उस लैंड से हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, जैसे एग्जाम्पल रेंट मिल रहा है, या फिर माइंस वगैरह. हम माइंस निकालते हैं ना, कोल माइंस, ये सब एग्जांपल में लिख लो यहाँ पर, माइंस वगैरह, है ना. और अटैचमेंट टू द अर्थ का क्या मतलब है? जमीन से जुड़ा हुआ, जैसे कि टिम्बर. टिम्बर क्या है हमारा? एक तरह का जो पेड़ है वो हमारा क्या है? अटैच्ड है ना किससे? अर्थ से, है ना. और परमानेंटली फास्टन का मतलब, परमानेंटली फास्टन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने कोई लैंड बनाया और उसपे ना एक प्रकार का ढांचा, मतलब एक तरह का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया. तो क्या हम उसे हटा सकते हैं, उस ढांचे को? जैसे कि आप इस तरफ जाते होंगे नोएडा गुड़गांव, तो उस तरफ क्या होता होगा, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े होंगे, किसके? बिल्डिंग्स के. तो हम उन्हें मूव तो नहीं कर सकते ना, तो वो भी एक प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है. और अटैच टू द अर्थ का मतलब भी यही है कि कोई बिल्डिंग है या फिर कोई टिम्बर वगैरह है, पेड़ वगैरह, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? एक प्रकार का लैंड, उस लैंड से कोई बेनिफिट मिल रहा है, या फिर वो अर्थ से अटैच है. कौन? जो भी प्रॉपर्टी है वो किससे अटैच है? बिल्डिंग या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है वो किससे अटैच है? अर्थ से. या फिर वो क्या है? परमानेंटली फास्ट है. उसे देख के ऐसा लग रहा है कि अब वो परमानेंटली, मतलब क्या हो चुका है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं कम्युनिकेशन के, वो क्या है हमारे? परमानेंटली फास्ट है ना. अब ये थोड़ी हम उसे हटा देंगे. समझ आ रहा है? चलो, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ आ गई सभी बच्चों को? यहाँ पे लिख लीजिए अटैच्ड के अर्थ में बिल्डिंग. परमानेंटली फास्टन में क्या लिखेंगे? कम्युनिकेशन टावर लिख लीजिए. ये एग्जाम्पल बस आपको लर्न कराने के लिए है, वैसे इसका कोई रोल नहीं है डेफिनेशन, ठीक है. चलिए, अब जितनी डेफिनेशन मैंने करा दी वो तो लर्न करनी है, जो उसमें हमारी बुक में मेंशन है वो सब भी करनी है, ठीक है. और जो भी दिक्कत आएगी वो पूछनी है. चलिए, अब हम करते हैं. लिख लिया था ना, हटा दूं? ऑनलाइन वाले बच्चों, आपने वंशिका भावना. चलिए, सेक्शन 9 हेडिंग वाला.
देखो बच्चों समझाओ इसे कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम को। देखो अब हम ना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कोई भी डेट्स पढ़ते हैं, डेट्स का मतलब सेहत बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे यार। चलिए कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम का क्या मतलब है? कमेंसमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ टाइम का मतलब है जैसे मैं आपसे पहले क्वेश्चन रेज करूंगी उसके बाद में ये वाला टॉपिक समझाऊं, ठीक है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए जो कंपनीज एक्ट है वो बोलता है कि 30 दिन के अंदर, कंपनीज एक्ट बोलता है कि जब से एजीएम हुई है उसके 30 दिन के अंदर क्या फाइल कर देना, आरओसी को। वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एओसी 4 आप क्या कर देना 30 दिन के अंदर फाइल कर देना। ऐसा कौन बोलता है? कंपनीज एक्ट का लॉ कि 30 दिन के अंदर आपको एओसी 4 फाइल करना है, ठीक है, एजीएम हो जाने के बाद। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो ये 30 दिन है, मान लो 30 सितंबर को हमारी एजीएम हुई है, ठीक है, 30 सितंबर को मेरी एजीएम हुई है, और मैं कब तक फाइल कर सकती हूँ? मतलब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जगह जगह आएगा फ्रॉम एंड टू कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपको क्या करना है, दिन काउंट करना है, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 30 सितंबर को मेरी एजीएम हुई है, लॉ ने कहा है कि 30 दिन के अंदर आरओसी को क्या कर देना, एओसी 4 फाइल कर देना। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं दिन कहाँ से काउंट करूँ, 30 दिन बताइए ना कहाँ खत्म होंगे और कहाँ काउंट होंगे? एजीएम के बाद, यानी कब से? 1 अक्टूबर से 30 सितंबर है ना, फिर कहाँ तक जाएंगे 30 दिन? 30 अक्टूबर तक। अच्छा, यानी सहज ने कहा है कि 1 अक्टूबर से लेके, सहज का कुछ आंसर ये है कि 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे और 30 अक्टूबर तक चलेगा, ये सहज ने बोला है। अब कितने बच्चे सहज के साथ हैं कि सहज ने बिल्कुल ठीक बोला है? क्या हमें 30 सितंबर से नहीं लेना चाहिए था कि 30 सितंबर से लेते 29 अक्टूबर तक? कितने बच्चे सहज के साथ हैं बताओ? हाँ अच्छा, अगले दिन से लेंगे ऐसा अंश ने कहा, ठीक है। मैं अभी बस अभी सही गलत नहीं बता रही, अभी मैं बस आपके क्वेश्चंस देख रही हूँ, ठीक है। आपने कहा है कि अगले दिन से लेंगे, ठीक है। शुभ्रत एंड साहिल आप लोग क्या बोलेंगे? अगले दिन से, यानी सहज ने बिल्कुल ठीक कहा है ना। अनस, वंशिका एंड भावना बोलो बेटा आप लोग क्या बोलेंगे, क्या सहज ने बिल्कुल ठीक बोला है? नेक्स्ट डे से शायद। अच्छा नेक्स्ट डे से, ओके। भावना बेटा आप क्या बोलेंगे? चलिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, आपका सहज का आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमें जब 30 दिन काउंट करना है तो जिस दिन वो इंसिडेंट हो गया उसके नेक्स्ट डे से हमें पूरे प्योर 30 डेज काउंट करने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हमारे दिन काउंट होंगे और उसके बाद से माना जाएगा कि अगर 30 अक्टूबर लैप्स हो जाता है तो यानी 31 अक्टूबर से माना जाएगा कि वो दिन लैप्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल क्लॉज एक्ट में हमें ये समझाया गया है जब फ्रॉम और टू है तो हमें टाइम को कैसे, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक काउंट होगा, ठीक है। तो फिर वो कहाँ से होगा? नेक्स्ट डे से, जब इंसिडेंट पूरा हो गया तो उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा और फिर वहां से टू तक जाए, जैसे 30 डेज था ना, तो हमारा टू कहां तक है? ये भी ना। चलो बच्चों कनेक्ट कर लो, पता नहीं कब रिपेयर होएगा। बेटा सेक्शन 10 लिखिए, बातें नहीं करनी, फोन पे कनेक्ट कर लीजिए।
कोई भी बच्चा बातें नहीं करेगा, जल्दी से लिखेंगे आप लोग। कनेक्ट हो गया है? जल्दी से लिख लो, फिर मैं समझाना है मेरे को। क्या हुआ बेटा साहिल, कनेक्ट नहीं हो रहा? टाइम बार बी बार बी ए डबल आर ए डी। बच्चों समझाओ, आप सबने लिख लिया है? लिखिए जल्दी से। शुभ्रत आपके फोन में नहीं हो रहा क्या कनेक्ट? अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में हमें वो बोल रहा है कि किसी दिन हमारी लास्ट डेट थी और उस दिन कोर्ट क्लोज है, उस दिन कोर्ट क्या है, बंद है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम नेक्स्ट डे जाके कर सकते हैं फाइलिंग? तभी जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 15 अगस्त आ गया बीच में और उसी दिन लास्ट डेट थी जब हमने कैलकुलेट किया, तो नेक्स्ट डे कर सकते हैं? बोलो सहज, कर सकते हैं, नेक्स्ट डे जा सकते हैं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लीजिए कोई हमने काम किया और उसकी लास्ट डेट आ गई और उसी दिन क्या है, कोर्ट बंद है किसी भी रीजन से, तो हम नेक्स्ट डे जा सकते हैं। लेकिन ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब टाइम बार्ड हो गया। जैसे कि मान लीजिए एक को एक हमने केस फाइल किया, 3 साल खत्म हो चुके हैं, उसी दिन 3 साल खत्म हुआ और लास्ट डेट वाले दिन क्या था, कोर्ट बंद था, तो क्या हम नेक्स्ट डे जा सकते हैं? नहीं, तब हम नेक्स्ट डे नहीं जा सकते। बच्चों को समझ आया या नहीं आया? क्या समझ आया? टाइम का खत्म हो जाना, लैप्स हो जाना। हाँ टाइम खत्म हो गया। चलो एग्जांपल से समझते हैं, मुझे नहीं लगता आपको आया है। चलो देखो, अंश का एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अंश, एंड मिस्टर सहज, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, ठीक है, डिस्प्यूट हो रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मान लो प्रॉपर्टी एक्स है, ठीक है। अब मिस्टर अंश को पता चलता है, जब मिस्टर अंश पहले तो छोटे थे इतना नहीं पता चला, फिर 3 साल बाद एक है कि बड़े हो गए और 3 साल बाद इन्हें पता चलता है, 3 साल का मतलब ये माइनर से मेजर बन गए, 18 साल से बड़े हो गए, ठीक है। तो इन्हें पता चलता है, ओहो सहज ने तो मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने जो टाइम पीरियड दे रखा था वो सिर्फ 3 साल दे रखा था। एक और एक इन्हें दिव्य शक्ति आती है अंश को, और लास्ट डेट वाले दिन पता चलता है कि आज क्या है, कोर्ट की लास्ट डेट। और जब ये कोर्ट,
एग्जांपल दे रही है पागल क्या हुआ बच्चों क्या हुआ देखो कोर्ट को क्या हुआ तीन साल ध्यान से सुनिए जो कोर्ट है हमारा वो क्या कह रहा है तीन साल खत्म हो गए जब लास्ट डे वाले दिन पता चला मान लो 15 अगस्त को लास्ट डेट थी 15 अगस्त को क्या थी लास्ट डेट थी और ऐसा कब पता चलता है अंश को लास्ट डेट वाले दिन पता चलता है एकाएक कि आज क्या है कोर्ट बंद है ठीक है तो अंश बड़ा नाराज हो जाता है वो कहता है क्या हुआ आज तो वैसे भी नेशनल हॉलीडे था अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट डे चला जाऊंगा 16 को चला जाऊंगा क्यों क्योंकि नेशनल हॉलीडे था तो कोर्ट ने कहा भैया तुम तीन साल से क्या सो रहे थे क्या ऐसा कौन बोल रहा है कोर्ट बोल रहा है कि ऐसे नहीं चलेगा आप तीन साल पहले क्यों नहीं आए लास्ट डेट वाले दिन ही क्यों आए कहने का मतलब ये है कि तीन साल आपको नहीं पता चला तीन साल आप इग्नोर करते रहे लॉ को और एकाएक लास्ट डेट वाले दिन आके आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा केस दर्ज किया जाए तो अब कोर्ट के पास इतना टाइम तो है नहीं तो कोर्ट क्या बोलता है ऐसा नहीं चलेगा तो अगर टाइम बार हो गया है कोर्ट कहना चाहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड में टाइम खत्म हो गया है और लास्ट डेट वाले दिन कोर्ट बंद था तो आपका क्या नहीं होगा ये केस दर्ज नहीं होगा नेक्स्ट डे में सभी को समझ आ गया आप एग्जांपल से और अगर वैसा है तो हो सकता है अगर क्या है नॉर्मल है कि हमने प्रोविजन कैलकुलेट किया और उस दिन क्या है कोर्ट बंद है तो हम अगले दिन जा सकते वैसे नहीं जा सकते टाइम बार चलिए नेक्स्ट लिखो सेक्शन 11 प्रॉपर्टी अब आपकी होगी ठीक है चलिए ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझ आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा हूं पूछ लीजिएगा है ना बच्चों बात ही नहीं करनी हम बेटा जनरल बातें कर रहे हैं कभी कभी ना इतने गहरे डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कोर्ट में कि लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं अब जो वकील है उसे जीतना होता है केस तो वो कहीं ना कहीं से चीजें निकाल के लाता है तो फिर क्या करता है कोर्ट कहता है देखो मैंने जनरल क्लॉज एक्ट में ये डाल रखा है तो इसका मतलब यही है ठीक है क्योंकि जब हम आगे जाके चीजें पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छा इस बेसिक चीज का ये रूल था यहाँ पर समझ आया अभी तो बस आप ये क्या कीजिए जनरल रूल पढ़ते जाइए कि ऐसे ऐसे है और जहां भी होता रहे जैसे डेट्स है तो वो आप कंपनियों में अप्लाई करते रहिए कहीं दिक्कत आएगी डेट्स निकालने में 7 दिन कैलकुलेट करने में जैसे होता है ना कि इतने दिन पहले नोटिस भेज दो 21 दिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे से कैलकुलेट करके यहाँ तक मुझे 21 दिन कैलकुलेट करने हैं मुझे अब मैं जो डिस्टेंस वाला पढ़ा रही हूँ तो वो डिस्टेंस यही वाली मान्यता होगी तो ये चीजें आप क्या करते रहिए समझते रहिए ठीक है फिर धीरे धीरे अप्लाई करना आ जाए चलो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस अच्छा नहीं लग रहा क्या चैप्टर चलिए खत्म हो जाएगा जल्दी हो जाएगा आज हो जाएगा बच्चों इसका मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कोई बताएगा ऐसे ना स्लीपिंग वाला अच्छा Thank you.
ये ऐसे डायग्राम भी बना लेते, ठीक है। ये है हमारा द्वारका और ये है हमारा टैगोर गार्डन। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कर। देखो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे करेंगे आप? कौन सी वाली मेजरमेंट अच्छी है? नहीं नहीं किलोमीटर वगैरह नहीं, मतलब आपको, मान लीजिए मैंने आपको टारगेट दिया कि द्वारका से टैगोर गार्डन आना है, मेट्रो को अज्यूम नहीं करना, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रोड की बात कर, कहाँ से आना है? द्वारका से टैगोर गार्डन आना है। तो क्या अगर आप घूम के आ रहे हैं तो क्या मैं वो वाली डिस्टेंस मेजर करूंगी? कौन सी? हाँ, जो स्ट्रेट है, जो क्या है, शॉर्टेस्ट रूट है। हम अगर मेजर करेंगे, लोग बड़े चलाक होते हैं, वो क्या करते हैं, हम इधर उधर से घूम वाले डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर में ले लेते हैं और फिर कहते हैं इतना ही डिस्टेंस थी। तो उन्होंने कहा जब भी हम कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट रूट है वही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ना कि कोई घुमा के रास्ता वाला, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना घुमा के लेकर जा रहे हैं तो लॉन्ग रूट होता है, हाँ वो वाला कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ कौन सा करना है, शॉर्टेस्ट रूट। क्या सभी को समझ आ गया? आ गया बेटा, चलो नेक्स्ट करो, सेक्शन 13-12 करो पहले। बेटा इम्पोर्टेंट के चक्कर में दिक्कत भी बहुत हो जाएगी। पहले आप 12 से 35 खत्म कर लो, खत्म कर लीजिए पहले, उसके बाद रिट्स भी है, ठीक है। चलो किसको बच्चों लिख लिया, ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन एनेक्टमेंट। ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन एनेक्टमेंट, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई टैक्स ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे तो वो किस हिसाब से करेंगे, प्रोराटा बेसिस पे करेंगे। प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेंगे। प्रोपोर्शनेट बेसिस आपको मालूम होगा कि नहीं? पन नहीं, प्रोपोर्शन, जैसे कि हमने कहा कि इतना एप्लीकेबल है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने डिविडेंड लिया, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड किस बेसिस पे मिलता है? हाँ यही, देखो मेरा क्वेश्चन समझिए, पर किसी भी शेयर होल्डर को जब शेयर डिविडेंड मिलता है तो उसके पास कितने शेयर है, यानी कि उसने कितने शेयर हेल्ड कर रखे हैं, उस हिसाब से उसे डिविडेंड मिलेगा। यानी कि मान लीजिए अगर कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड दिया है, सिर्फ मानना है 100 रुपए का डिविडेंड दिया है, और उसके पास कितने शेयर है, 5 शेयर है, मिस्टर ए के पास कितने हैं, 5 शेयर है, और कंपनी ने 100 रुपए का डिविडेंड बांटा है, तो कितना होगा हमारा डिविडेंड, तो उसे कितना मिलेगा डिविडेंड? मिस्टर ए को तो 5 ही रुपए मिलेगा ना, क्योंकि उसने जितने शेयर होल्ड कर रखे हैं उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं। तो क्या प्रपोर्शन का मतलब यही है कि उसके पास जितने शेयर है उस प्रपोर्शन में हम उसको डिविडेंड देंगे, तो ऐसे सभी शेयर होल्डर्स को डिवाइड करेंगे, है ना। तो समझ आया कि प्रपोर्शन का मतलब क्या है? तो उसी प्रकार से ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब टैक्स है, यहाँ पे जो भी टैक्स लगेगा वो उसी प्रपोर्शन में लगेगा जितने के लिए वो एलिजिबल होगा। क्या सभी को समझ आ गया? यहाँ लिख लो ड्यूटी का मतलब टैक्स, कभी आप ड्यूटी का मतलब वो समझने लग जाओ, क्या होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ कभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लग जाए। जो भी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा वो सिर्फ उसके शेयर के रेशियो में ही दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 13, बस ये एग्जाम्पल समझ ना, डेफिनेशन पूरी उसमें आए, ठीक है। लिख, हाँ एग्जाम्पल लिखो,
चलो लिखो सेक्शन 13। अभी समझाऊंगी बेटा। हाँ बिल्कुल, पर ये जनरल वाली ये कैसी हुई हमारी जनरल इंटरप्रिटेशन, सही कह रहे हैं। सेक्शन 13 लिख लिया हो तो समझाओ। चलिए जेंडर एंड नंबर का मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी लॉ में ही लिखा होगा तो ही ऑटोमेटिक शी माना जाए, ही ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, शी। जैसे कि अगर कोई फ्रॉड किसी गर्ल ने किया है तो ऑटोमेटिक अगर वहां पे ही लिखा है तो फिर वो जो महिला है वो बच नहीं सकती, वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी उसमें। क्यों? क्योंकि लॉ अपने आप बोलता है जनरल क्लॉज एक्ट में कि जहां जहां लॉ के अंदर ये लिखा है ऑटोमेटिक वो शी भी है, ठीक है, और जहां शी लिखा है वहां ही नहीं है, क्योंकि जहां शी लिखा है वहां पे एक्सक्लूडेड टर्म आ गया, ठीक है। हाँ अभी प्लूरल वाला समझा रही हूँ, ठीक है, अभी अभी हमें बस ये समझना है कि जहां पर ही लिखा है वो क्या माना जाएगा, शी माना जाएगा, लेकिन शी को ही नहीं मानना। और सेकेंड थिंग कि अगर उसने कहीं मेल टर्म को डिफाइन कर दिया, जैसे एग्जाम्पल किंग बोल दिया, या फिर और क्या हो सकते हैं, मेल, हाँ वहां पे क्या बोल दिया, बॉय बोल दिया, मेल बोल दिया, या फिर किंग बोल दिया, कुछ ऐसा मेल टर्म डिफाइन कर दिया, मैस्कुलाइन टर्म क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ये तो प्रोनाउन है ना हमारा, तो प्रोनाउन में तो हमने इंक्लूड कर दिया ही, इंक्लूड शी, लेकिन जहां पे पर्टिकुलर मेल को ही जो चीज डिफाइन कर रही हो, जैसे कि
जैसे कि किंग बॉय या फिर ये सब हमारे क्या है मेल डेफाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या गुल भी आता है, हाँ तो आप गुल भी कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो जहां पर मेल एनिमल हमें क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, वो क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा। उसके बाद सिंगुलर इंक्लूड प्लूरल में क्या है कि जहां जहां सिंगल टर्म्स डिफाइन हो रहे हैं वहां माना जाएगा कि प्लूरल बातें हैं। जैसे हाँ हाँ, जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉई है हमारा, अगर हमारा एम्प्लॉय है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को बोल रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई बात एक बच्चे को बोल रही हूँ कि बातें मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस उसी को ही बोल रही हूँ, ये मैं सभी को बोल रही हूँ कि बातें मत करो। समझ आ गया, ठीक है, बस इतना ही समझाना। तो अब से हम लॉ के हिसाब से बातें करा करेंगे, ठीक है। बच्चों अगर मैं कह रही हूँ समझ आ गया, तो इसका मतलब मैं सभी को कह रही हूँ, किसी पर्टिकुलर बच्चे से नहीं कह रही, समझ। लॉ के हिसाब से मतलब हमें इस हिसाब से इंटरप्रिटेशन के हिसाब से बात करनी, ठीक है। चलिए पावर एंड फंक्शंस, ये अब सेक्शन, ये सेक्शन 14 है, लेकिन ये ना पावर एंड फंक्शंस 14 से लेके 19 तक है। चलो मैं लिखवाती हूँ एक बार, सेक्शन 14 टू सेक्शन 19। ये ना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसका, पावर एंड फंक्शंस। ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा, बताओ पावर एंड फंक्शंस एक्सप्लेन करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 से लेके 19 तक सेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इस पे स्टार मार्क कर लो। अनस, भावना एंड वंशिका, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, कुछ नहीं आए तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। लिखो सेक्शन नंबर 14, बच्चों बातें क्यों हो रही है, पहले आप मुझे ये बताइए। बच्चों क्या आप लोग घर पे याद करते जा रहे हैं, जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब बुक से लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों बेटा, ये तो ये रिवाइज तो कर रहे होंगे जो मैं लिखवा रही हूँ, ऐसे नहीं करना। देखो रेगुलर रिवाइज करना है, यही डिफरेंस है प्रोफेशनल एग्जाम में और कॉरेस्पोंडेंस एग्जाम जो आप बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है प्रोफेशनल कोर्सेज में, कैसे सब कुछ कवर करोगे? लास्ट मोमेंट पे कोई दिव्य शक्ति तो ऊपर से उतर के नहीं आएगी कि हाँ जी भाई बेटे का एग्जाम है, चलो एक शक्ति दे दे। इसीलिए बेस्ट है कि आप फर्स्ट डे से ही क्या करें, अपना बर्डन हाँ रिवाइज करते रहें और अपना बर्डन कम करते रहें। सेक्शन नंबर 14 कौन बताएगा मुझे, सेक्शन 14 बताओ कौन बताएगा, क्या लिखा है सेक्शन 14 क्या बोल रहा है, कोई बच्चा बताने के प्रयास करेगा कि नहीं, कोशिश ट्राई
बताओ। गवर्नमेंट बार बार यानी कि वो उसको पावर को एक्सरसाइज करती है, यानी कि वो यूज करती है पावर को। पावर को यूज करती है क्या बना देती है? रूल्स बनाने के लिए, गवर्नमेंट रूल्स। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लीजिए, जैसे एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं ठीक है। ये सेक्शन 15 नहीं है अभी, ठीक है। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल है हमारा कि अगर कंपनीज एक्ट हमारा आ गया है, कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, या फिर कोई भी नया लॉ बन चुका है, तो क्या बस अपने उसने पावर एक्सरसाइज करनी थी वो कर ली, या फिर जब जब उसे जरूरत लगेगी तब तक वो अपने पावर को यूज कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, किस लिए? रूल्स बनाने के लिए या फिर कोई भी लॉ बनाने के लिए। तो हमें लॉ यही कह रहा है कि सेंट्रल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम अपनी पावर का यूज कर सकती है, किस लिए? जो भी उसे रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं। हाँ हाँ, अमेंडमेंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो जो हमारे नए रूल्स आ रहे हैं। हाँ, या फिर उसे कुछ भी इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि कुछ भी इनकॉर्पोरेट करना है या डिलीशन करना है। जैसे अभी पहले हमने अमेंडमेंट देखा था कि जो हमारी स्मॉल कंपनी है, सेक्शन 2 क्लॉज 85, उसमें क्या हुआ था, 4 करोड़ और 40 करोड़ रुपए ना। हाँ, अब पहले क्या था, पहले 2 करोड़ और 20 करोड़ हुआ, फिर उसके बाद 4 करोड़ और 40 करोड़ हुआ, यानी कि वो टाइम टू टाइम अपनी पावर ही तो यूज कर रही है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या सभी को समझ आ गया? इसका मतलब बस यही था। चलो, सेक्शन नंबर 15। अंश बेटा, आपको समझ आ रहा है? अनस बेटा, वंशिका एंड भावना, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, एक्स ऑफ इश्यू क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स हाँ, पहले वाला। हाँ, क्या? हाँ, जो जा चुका है, पास्ट ऑफिस। यहाँ पे ऑफिशियो है तो ऑफिस का है, जो जा चुका है वो होता है एक्स, और एक्स का मतलब है पास्ट। इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर एग्जांपल से समझाते। ये लिख लेना, हटा दो। चलो, डेफिनेशन लिखो। मैम एक मिनट दिखाना। हाँ हाँ, लो। ये तो इसकी हेडिंग है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये हेडिंग है। सेक्शन नंबर 15 की ये हेडिंग लिखी है, ना कि डेफिनेशन। कौन बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है? आप पावर टू अपॉइंट। Thank you.
चलो देखो एक्स ऑफिशियो क्या होता है बच्चों, देखो इन्होंने समझाया है कि कोई भी ऐसा ऑफिस लिख लिया ना, समझ बताऊ समझाऊ। देखो हमारा जो ये हेडिंग है इसमें लिखा है कि जो भी हमारा इंक्लूड होगा, यानी कि हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो क्या करते हैं कि ये पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी के लिए खाली है, एग्जाम्पल से समझते हैं, तो उसमें कौन बैठेगा, कंपनी सेक्रेटरी। चलो अब बैठ गया एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब समझा रही हूँ। ये तो था नॉर्मल, ऊपर जो लिखा है ना पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, ये इंक्लूड वाला है कि हमने एक कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट निकली और कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर दिया। अब मैं एक्स ऑफिशियो का मतलब समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल से। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, और वो कहाँ है, होल्डिंग कंपनी में अपनी पोस्ट होल्ड करके बैठा, ठीक है, होल्डिंग कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बैठा है, और इस होल्डिंग कंपनी के रूल्स में लिखा है कि जो इसकी सब्सी है, यानी जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, वहां पे भी सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट कौन संभालेगा, यानी कि लीगल कंप्लाइंसेस ऑफिसर कौन रहेगा, यही रहेगा। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी का है, तो उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट को भी कौन देख लेगा, यानी कि कंप्लाइंस ऑफिसर यहाँ पे भी कौन बन गया, ये वाला कंपनी सेक्रेटरी, ये वाला कंपनी सेक्रेटरी। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उसके पास ये वाली पोस्ट है, होल्डिंग की पोस्ट है, इसलिए वो ऑटोमेटिक कहाँ आ गया, सबसी में आ गया। अगर लॉ ये बोल दे कि आप होल्डिंग से हट चुका है, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी होल्डिंग से, होल्डिंग कंपनी की पोस्ट से हट चुका है, तो वो क्या सबसी में रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसे ऑटोमेटिक पोस्ट ही कहां से मिली थी, होल्डिंग की वजह से मिली थी। क्या सभी को समझ आ गया। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देखना है, एक एबीसी लिमिटेड है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है, उस एबीसी लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारी किसको देखेगा, दूसरी, यानी सबसी कंपनी है तो उसे भी देखेगा, मान लो एक्स वाई जेड, तो वहां पे भी कौन बैठेगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठेगा। तो ये पोस्ट उसे कहां से मिली, उसकी होल्डिंग की वजह से मिली, तो अगर जहां उसकी होल्डिंग से क्या हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, वहीं से वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहां से हट जाएगा। यानी कि सबसी का वजूद कब तक है, जब तक वो होल्डिंग में है, अगर जहां से वो होल्डिंग की पोस्ट से हटा, वहां से क्या हो जाएगा, सबसी भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। बस इतना सही था एक्स ऑफिशियो का, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है, द पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फाइंड एनी ऑफिस ईदर बाय नेम, जैसे मैंने बोला था कि कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करा है, तो वो हमने नेम हुआ, और वर्च्यू ऑफ ऑफिस, वर्च्यू ऑफ ऑफिस यानी होल्डिंग कंपनी के ऑफिस की वजह से मैं तुम्हें सबसी में बिठा रही हूं, तो वो क्या हुआ हमारा एक्स ऑफिशियो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन, यहाँ पे ये एक्सेप्शन इन्होंने डाल दी कि जब तक लोग कुछ और डिस्क्राइब ना करें, जनरल मीनिंग इसका ये ही है। क्या सभी को समझ आ गया एक्स ऑफिशियो का। चलो नेक्स्ट डालो सेक्शन नंबर 16, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस, सेक्शन नंबर 16। अंश बेटा आपको समझ आ रहा है, आज मैं ये पावर एंड फंक्शन सभी बच्चों से पूछूं, ठीक है, सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बताएंगे, ठीक है। ये लो मैं एक बार बैक कर देती हूँ, लो देख लो, देख लिया, अच्छा हिंदी वाला,
क्या सभी बच्चों ने ये लिख लिया है? सेक्शन 16 समझाओ. चलो, इसमें लिखा है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और डिसमिस. कोई इसका मतलब बताएगा क्या है? हाँ, जैसे हाँ इसे कंपनी लॉ के एग्जांपल से समझते हैं. जैसे बहुत सारी जगह लिखा होगा कि ये वाला जो ऑडिटर है ये कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे. और शेयर होल्डर्स के पास ही ये राइट होता है कि वो उसे क्या करते हैं, हटा दे, सस्पेंड कर दे, है ना. तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर सिर्फ लॉ मेकर ने ये लिख रखा है कि ये व्यक्ति अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स को पावर दे दी कि ये अपॉइंट करेगा, तो उसके पास ऑटोमेटिक पावर आ गई कि वही व्यक्ति सस्पेंड भी करेगा. कुछ समझ आया? Yes, किस बच्चे को नहीं आया? चलो रिपीट करना. बिल्कुल, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. सी एंड एजी ऑडिटर है कि नहीं? हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. चलो सीएजी मतलब ऑडिटर ले लो नॉर्मल. सिर्फ ये मान लो स्टैचुरी ऑडिटर है जिसे बोल रखा है जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे. करते हैं ना जनरल मीटिंग में अपॉइंट स्टैचुरी ऑडिटर को. कौन करते हैं जनरल मीटिंग? किसकी होती है? एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है. तो शेयर होल्डर्स आते हैं और ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग के अंदर. अब सिर्फ लॉ ने सिर्फ इतना लिख रखा है कि अपॉइंट बाय शेयर होल्डर. उसने ये नहीं लिख रखा डिसमिस, कुछ ऐसा डिस्क्राइब नहीं कर रखा. तो जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि देखो जहां पर ऐसा लिखा है कि ऑडिटर जो अपॉइंट होगा वो शेयर होल्डर के द्वारा होगा, किसमें? जनरल मीटिंग में. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये रिमूव कर सकते हैं या नहीं. तो हम जनरल क्लॉज एक्ट के तहत ही मानेंगे जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया है उसी के पास अथॉरिटी है कि वो डिसमिस, सस्पेंड या रिमूव कर सकता है. क्या सभी को समझ आ गया? ऑटोमेटिक पावर आ गई, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक छुपी हुई पावर है. कि ऑटोमेटिक पावर का मतलब क्या है? कि जो उसके पास एक शेडो पावर है. किस प्रकार की? कि वो रिमूव भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है. ठीक है, आप समझ आ गया वंशी का बेटा? यस मैम. अन्ना सेन भावना, आप लोगों को आ रहा है? ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 17 लिखिए. हटा दो ये सब, एग्जाम्पल लिख लो क्योंकि कहीं आप भूल ना जाओ. एग्जाम्पल के तौर पे ऑडिटर लिख लीजिए. सेक्शन नंबर 17, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज. बच्चों, अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया करे तो आप मुझसे पूछ लिया कीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूं. ठीक है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बस बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम पूछना है कि कोई नहीं समझ आया, रिपीटेशन कुछ भी है. एग्जीक्यूटिव करने के बाद
और उसके अंदर टेरिंग कर ली प्रोफेशनल के बाद में एग्जीक्यूटिव और टेरिंग कर ली तो उसके बाद में नहीं प्लस सीएस के जैसे आप बोल रहे हैं कि मैंने एग्जीक्यूटिव के बाद 24 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो क्या मुझे डिग्री मिल जाएगी या फिर प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद मिली, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि पूरा प्रोसीजर है ना, पहले फाउंडेशन क्लियर करो यानी सीएसईईटी, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्लियर करो, फिर प्रोफेशनल क्लियर करो और ट्रेनिंग कम्प्लीट करो, ये चार प्रोसीजर सीएस बनने के, फिर उसके बाद जाके हमें डिग्री मिली। ठीक है, कुछ बोल बच्चों इसका मतलब क्या है समझी, समझते हैं, आइए देखते हैं। बच्चों देखो इसके अंदर क्या लिखा है, सबमिशन टू मेंशन ऑफिस टाइटल ऑफ द ऑफिसर। उन्होंने कहा है कि ऑफिस टाइटल मेंशन करना इनफ है, ज्यादा हमें क्या नहीं करना, हर एक का नाम नहीं लिखना, बस वो इतना समझा रहा है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, टू एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ एन ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब उन्होंने ये समझाया है कि मानिए उन्होंने कहा कि आरओसी या फिर इनकम टैक्स ऑफिस, ठीक है, आरओसी या इनकम टैक्स ऑफिस, इन दोनों में से किसी ने भी घूस ली, घूस मतलब रिश्वत ले ली यानी कि ब्राइब, ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट ने ब्राइब ले ली, ऐसा किसमें लिखा है, लॉ में, तो फिर वो क्या माना जाएगा, सारे के सारे आरओसी काउंट किया जाएगा। ये नहीं कि हम पर्टिकुलर आरओसी के नाम लिखे कि नहीं नहीं इसी आरओसी ने ली होगी, तो ये क्या है, सभी का एक ही काम है ना, अगर किसी ने भी कुछ गलत किया तो ये सभी आरओसी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने सिर्फ आरओसी एक ऑफिस टाइटल को डिफाइन कर दिया तो हर एक के फंक्शन को या हर एक का नाम वो डिफाइन नहीं करेगा। चलो दूसरे उससे समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू से समझते। एग्जाम्पल नंबर टू कहता है कि हमें इनकॉर्पोरेशन करना है, यानी अगर कोई भी कंपनी हमें बनानी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमें क्या करना है, उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आरओसी को क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने। तो क्या मैं आरओसी का नाम डिफाइन करूं यहाँ पे, एक एक आरओसी का यहाँ पे, तो क्या है, हमें जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है किस चीज को, कि हम हर ऑफिस का ऑफिसर का नाम डिफाइन करें या किसी भी ऑफिस का नाम डिफाइन करें। हमने आरओसी बोल दिया तो आरओसी इंक्लूड ऑल द आरओसी। अब कोई बैंगलोर में बैठ के क्या कर रहा है, कंपनी बना रहा है, तो वो अपने बैंगलोर वाले आरओसी को फाइल करेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑफिस टाइटल को अगर हमने नॉर्मली बड़े टाइटल को डिफाइन कर दिया तो छोटे छोटे फंक्शंस या डिपार्टमेंट को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या सभी को समझ आ गया कि वो जो काम होगा, जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट वाला होगा, वो सभी ऑफिसेस के लिए सेम होगा। रिपीट करूं कि आगे समझ, सेकंड वाले में उन्होंने बोला है कि मान लीजिए कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो आप, ठीक है, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट करके लॉ में लिखा है कि जितना भी डॉक्यूमेंट आपने इनकॉर्पोरेशन के करे हैं वो आरओसी को फाइल कर दे, तो आरओसी इंक्लूड ऑल आरओसी, आप पर्टिकुलर आरओसी नहीं बोलेंगे कि भाई दिल्ली वाला ही आरओसी होगा या फिर कहां वाला होगा, बैंगलोर वाला आरओसी होगा या वॉट एवर, ठीक है, अलग अलग स्टेट में हमारे अलग अलग आरओसी है तो वो नहीं होगा, ठीक है। आपने एक कंपनी बनाई है,
अनंत आपने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है? रोशन लिमिटेड कंपनी बनाई है साहिन है आप ऐसा बोल रहे हैं? चमन जिंगा लिमिटेड बनाई है ये सिर्फ एग्जांपल है इसे दिल पे नहीं लेना ठीक है चमन जिंगा इट इज जस्ट एन एग्जांपल हाँ ठीक है चलिए सेक्शन 18 डाल दो हटा दो भावना अनस एंड वंशिका हटा दो ना यस मैम चलिए लिखिए सेक्शन नंबर 18 ये सेकंड लास्ट है आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है अभी अभी पता नहीं कितना टाइम बचा है चलो लिखो जल्दी से फिर अभी हमें रिवाइज भी करना है ना सारा बच्चों बस इसके ना दो पॉइंट्स रह गए वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा ठीक है आज बस हम 19 तक करेंगे वैसे मेरी इंटेंशन थी कि मैं पूरा कवर करवाऊ लेकिन बस दो पॉइंट रह गए सेक्शन 26 और प्रपोजिव रूल वो नेक्स्ट क्लास में कराऊ ठीक है चलो बच्चों इस एग्जांपल से समझते हैं इसे पहले फिर नेक्स्ट लिखो बताओ अगर हमने ये मान लीजिए एक मेंबर है वो अभी तक क्या था शेयर होल्डर था कंपनी का ठीक है कंपनी का शेयर होल्डर था और उसके पास शेयर होल्डर है और उसके पास क्या है सारे राइट्स हैं राइट्स का मतलब क्या है हर तरह का वोटिंग राइट है हर तरह का डिविडेंड का राइट है ठीक है अब उसने क्या किया एक उसे रात में सपना आया उसने कहा शेयर वेयर लेने में क्या रखा सब मुंह माया है ऐसा अजीब से सपना उस व्यक्ति को आता है और वो अपने शेयर ट्रांसफर कर देता है अपनी वाइफ को चलो मान लो अपने दोस्त को कर दिया वाइफ पे भरोसा नहीं था तो उस किस पे कर दिया उसे वाइफ पे क्या आया दुखी होके वो वाइफ पे भरोसा ना कर पाया और उसने क्या किया वाइफ को ना करके किसे कर दिया अपने फ्रेंड को कर दिया जिसका नाम था शुभ्रत ठीक है बेटा स्पेलिंग आपकी नहीं क्या होगी फिर बताओ एच नहीं आता अच्छा ठीक ठीक है ठीक है तो ये मिस्टर शुभ्रत को क्या कर दिया शेयर ट्रांसफर कर दिए तो जो जो राइट्स इसके पास थे वो ऑटोमेटिक किसके पास आ जाएंगे अब ऑटोमेटिक वो सारे राइट्स किसके हो जाएंगे सक्सेसर के सक्सेसर कौन है यहाँ पर शुभ्रत सॉरी कुछ सक्सेसर का मतलब ये है कि दूसरी पार्टी जो आ गई ट्रांसफर करने के बाद जैसे कि किसी व्यक्ति की सेकंड जनरेशन आ जाती है तो वो सक्सेसर कहलाता है ना जैसे कि पिताजी है उनका जो बेटा है वो कौन है सक्सेसर है ना सक्सेस हुई ना उसकी मतलब सेकंड पार्टी जो आई कहने का मतलब ये है हाँ क्या क्या समझ में आ गया सक्सेसर का मतलब ये है कि दूसरी पार्टी का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्टी थी उसने ट्रांसफर करके अपने सारे राइट्स किसे दे दिए दूसरे सक्सेसर ठीक है अब वो चाहे तो अपने बेटे को कर सकता है दोस्त को ना करके तो वो भी कौन हुआ सक्सेसर हुआ ना आप शुभ्रत की जगह अपना मतलब यहाँ पे लिख लीजिए कि कोई सन है उसे कर दिए ठीक है और मेंबर के ऊपर क्या लिख लेना फादर चलो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग डालो सेक्शन नंबर 19
सेक्शन नंबर 19 जो कि आज का लास्ट है, फिर हम सारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आपको विदा करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल चीफ, साफ साफ लिख देते हैं ना। क्या सभी ने लिख लिया है? समझाओ। देखो बच्चों, इसमें लिखा है, मान लीजिए मैं समझाने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, लिख लो पहले फिर समझाओ। लिख लिया? चलो देखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, कौन सा सेक्शन? सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सेक्शन होता है सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सेक्शन 204 हमारा क्या है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर का सेक्शन है, जो कि एक पीसीएस यानी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास एक पावर है, जो कि वो क्या बोलता है, कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 204 के तहत जो जो कंपनी एलिजिबल है उनकी सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हैं। तो आप लोग कौन है, ट्रेनी है, मान लीजिए एक पीसीएस है, पीसीएस का नाम बोलो, पप्पू, चलो मिस्टर पप्पू, जो कि क्या है, ठीक है, बंटी बना दूंगी अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर पप्पू जो है वो कौन है, पीसीएस है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, और उनकी बहुत पुरानी फॉर्म यानी ओल्ड फॉर्म है, और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़ी सेक्रेटेरियल ऑडिट्स करते हैं। तो वहां पे जो है मिस्टर पप्पू के बहुत सारे ट्रेनी है आप लोग जैसे, ठीक है, मिस्टर शुभ्रत आ गए, सहज आ गए, ठीक है, मैं एस शुभ्रत, सहज एंड अंश, ठीक है, ये सब कर रहे हो, एंड साहिब, ठीक है, जिनका नहीं लिया वो भी इंक्लूड मान लेना अपने आप, वो अपने नाम लिख देना, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि ये सारे कौन है, ये सब ट्रेनी है मिस्टर पप्पू के नीचे। तो फिर मिस्टर पप्पू बोलते हैं कि जो जो पावर्स मेरे पास हैं, वो पावर्स किसके पास है, सबऑर्डिनेट के पास भी है। अगर आपने उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट पे गए और आपने उसके स्टाफ से बोला कि लाओ मुझे ये चेकलिस्ट की जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, चेकलिस्ट बनाई है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो लाके दो, तो वो आपसे ये नहीं कह सकता हु आर व्हाट इज योर अथॉरिटी, ऐसे नहीं पूछ सकता। आपकी अथॉरिटी एज इट इज है, जो आपके सीनियर की है वही आपकी पावर्स है। देखा नहीं, जब कोई डेट मारने जाता है तो उसके सारे असिस्टेंट कैसे टेंशन में आते हैं और कहते हैं लाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, ठीक है। शादी में जरूर आना, पिक्चर देखिए, तो वो तो सिर्फ राजकुमार राव तो सिर्फ खड़ा रहता है, बाकी सारा काम तो उसके असिस्टेंट कर रहे होते हैं। तो असिस्टेंट के पास यही पावर है, जनरल रूल ने कहा है कि जो उसके सुपीरियर के पास पावर है वही उसके सबऑर्डिनेट के पास पावर है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या समझ में आ गया? चलो फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। एक मिस्टर ए है जिसका नाम है पांडू, ठीक है। पांडू कौन है? पांडू बच्चों हंसेंगे नहीं, ये सिर्फ ऐसी है, ठीक है। पांडू कौन है? पांडू एक प्रकार का हवलदार है, ठीक है।
अब जो इसके सीनियर थे मिस्टर बी, मिस्टर बी जो थे वो सबॉर्डिन कौन है, ये सुपीरियर है, जो कि क्या बोलते हैं इनकी आज तबीयत खराब हो जाती है, और मिस्टर ए से बोलते हैं कि पांडू तुम एक काम करो, जाके ये ऑफिस जो मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, अथॉरिटी दे रहा हूँ एक लिखकर, तुम क्या करना ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके ले आना। तो उसको ये नहीं बोला जा सकता कि आप नहीं आ सकते या हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते। मिस्टर पांडू क्या करेगा, वो सब जो पावर्स किसके पास थी, सुपीरियर के पास थी, वही पावर्स का यूज करके वो सबॉर्डिनेट होके यूज कर सकता है। क्या समझ में आ गया हवलदार से? चलिए मिस्टर पप्पू एंड मिस्टर पांडू का एग्जांपल से आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पूरा करते हैं रिवाइज, सिर्फ दो मिनट के अंदर, हम मात्र दो मिनट के अंदर हम पूरा रिवाइज कर लेंगे और फिर आपको करेंगे विदा, ठीक है? चलिए जनरल क्लॉज एक्ट में सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर उन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हमारे हर प्रकार का लैंड, उससे कोई बेनिफिट आ रहा हो या फिर कोई अटैचमेंट हो या परमानेंटली फास्टन। सेकंड क्या था हमारा? हाँ, कि अगर हमें कोई दिन कैलकुलेट करना है तो उसके नेक्स्ट डे से हमें स्टार्ट करना है, और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है 30 अक्टूबर को, तो उस दिन तक हमें लेना है। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम में क्या, अगर जिस दिन कोर्ट बंद है तो हम नेक्स्ट डे ले सकते हैं, लेकिन टाइम बर्ड वाले में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, अगर हमें किसी की डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो शॉर्टेस्ट रूट और स्ट्रेट लाइन देखनी है। ड्यूटी क्या है, हमें प्रोराटा बेसिस पे ड्यूटी देखनी है, क्यों? क्योंकि जितना प्रोपोर्शन हो उसका बन रहा होगा उतनी ही वो ड्यूटी देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। उसके बाद जेंडर एंड नंबर, हमने देखा था कि जो भी ही, जहां जहां ही लिखा है लॉ में वो शी माना जाएगा, और जहां जहां प्लूरल वर्जन है वहां प्लूरल मान लिया जाएगा, सिंगुलर को प्लूरल मान लिया जाएगा। फिर पावर एंड फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने देखा था सेक्शन 14, वो कहता है कि सरकार ने एक बार लॉ बना दिया तो उसके पास पावर खत्म नहीं हुई, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक वो अपनी पावर का प्रयोग कर सकता है। अब हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो अपॉइंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर एक्स ऑफिशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब वर्च्यू ऑफ ऑफिस की वजह से भी अपॉइंट कर सकते हैं। 16 पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड, जहां जहां लॉ में लिखा है कि इसके पास अपॉइंट की पावर है तो ऑटोमेटिक उसके पास रिमूव की पावर भी है या डिसमिस या सस्पेंड की पावर भी है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज में क्या था कि जहां पे हमने एक ऑफिस का नाम लिख दिया तो ऑटोमेटिक उसके सारे ऑफिस आ गए, पर्टिकुलर हमें ऑफिस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है हर एक ऑफिस का, ठीक है? सक्सेशन, जितने भी अगर मेंबर ने क्या किया अपने सक्सेसर को सारे राइट्स दे दिए तो जितनी पावर्स मेंबर्स के पास थी वो सारे पावर्स किसके पास आ जाएंगे, सक्सेसर के पास आ जाएंगे। 19 क्या था, चीफ एंड सबॉर्डिनेट, जो जो सुपीरियर के पास पावर थी वो ऑटोमेटिक सबॉर्डिनेट के पास आ गई है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास यहीं पर।